हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप सॉफ्ट इडली के लिए बैटर किस तरह से बना सकते हैं। मैंने इसमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताया है और इस रेसिपी में बिल्कुल भी इनोक पाउडर का या फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का ज़रूरत नहीं है। आप बिना उसके भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल उड़द का दाल लेंगे और दो बाउल हम इसमें चावल लेंगे। चावल हमने अलग तरह का लिया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा छोटा साइज का है और ये मोटे मोटे दाने वाले होते हैं। पर अगर आपको ये चावल नहीं मिले, इडली राइस करके मार्केट में मिलता है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसके जगह पे नॉर्मल राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक बाउल उड़द के दाल पे दो बाउल चावल लेना है और उसके बाद हमें इसे अच्छे से धो लेना है। इस बाउल में हम पानी डालेंगे धोने के लिए और उसे हाथों की सहायता से हम मलमल करके धो लेंगे और जो पानी रहेगा उसको हम बाहर फेंक देंगे। हमने इसे एक बार धो के तैयार कर लिया है। अब फिर से हम इसमें पानी डालेंगे और फिर से हाथों की सहायता से उसी तरह से मल करके हम इसे धो लेंगे और एक्स्ट्रा पानी जो है हम इसमें से निकाल देंगे। हमने इसमें से पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे और लगभग 7 से 8 घंटे के लिए हमें इसे सोक करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है ताकि सोक होने के बाद भी ये इसमें से ऊपर में पानी रह जाए। और अब हम इसे छोड़ देंगे, 7 से 8 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। लगभग 7 से 8 घंटे हो गए हैं, इसमें से एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंडर में या मिक्सिंग जार में डाल करके पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा है, पर ये देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ सा इसका पेस्ट, इसका बैटर बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल करके रख देंगे जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। पर हम इसको पूरा ऊपर तक फिल नहीं करेंगे क्योंकि फर्मेंट होने के बाद ये ऊपर आ जाता है। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके लगभग 10 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। लगभग जब 10 घंटा हो जाए तब हम इसको चेक करेंगे और ये ऊपर तक फूल करके आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 10 घंटे के बाद मैं इसे खोल रही हूँ और ये देखिए ये ऊपर तक आ गया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। मैं इसे दिखाऊंगी आपको, ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। आप चाहे तो नमक पहले ना डाल के इस स्टेज पर भी डाल सकते हैं, पर मैं हमेशा इसे पहले ही डालती हूँ। और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, बाउल में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाना पड़ेगा। इसमें हमने इसे बाउल में निकाल लिया है, पर ये बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी का लग रहा है, तो इसमें हम पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पानी को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार में हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, नहीं तो कभी कभी बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला बन जाता है जिससे कि इडली हमारा परफेक्ट नहीं बनता है और इडली को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आप देखेंगे पहले हमने पानी कम डाला है और अब हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमें इसे बैटर में पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्पून से गिराने से बहुत ही आसान तरह से गिर रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये रेसिपी। ये बनाना बेहद आसान है, आप इसे घर में बैटर को बना करके रख सकते हैं और लगभग 1 हफ्ते तक इस बैटर का यूज़ कर सकते हैं इडली बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।